अपना प्यार कैसे हासिल करें, 7 टिप्स। बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सच्ची मोहब्बत तलाश करने के ख्वाब में गुजार देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असल काम उस वक्त शुरू होता है जब उसे पूरा करने की कोशिश की जाए, तब जाकर यह अमल काम करता है। बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि मोहब्बत कुछ जादुई ताकत है, लेकिन इसके लिए आपको उसके साथ एक अनोखा ताल्लुक पैदा करना होगा ताकि वो आपको खास महसूस कर सके। तो इसके लिए यहाँ 7 तजावीज़ हैं। पहली टिप, मायूसी का शिकार ना हो। जब आप अपने चाहने वाले को आपसे प्यार करने की कोशिश करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि मायूसी ही हतमी मोड़ है। अगर आप किसी ऐसे शख्स का पीछा करती हैं जो ताकुब नहीं करना चाहता, तो वो या तो आपको मुस्तरद कर देगा या आप अपनी इज्जत खो देंगी। दूसरी जानब, अगर आप किसी ऐसे शख्स का पीछा करती हैं जो ताकुब के लिए तैयार हो, तो आपको वो तवज्जो मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रही हैं। इस सूरत में आप मायूस नहीं होंगी। दूसरी तजवीज़, उसके साथ गेम ना खेलें। कुछ लोग छेड़ना पसंद करते हैं और किसी को हासिल करने के लिए कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जिसे बचकानापन कहते हैं। अगर आप वाकई किसी को पसंद करती हैं तो उससे बात करने से ना घबराएं। यार, बात करने में क्या जाता है? बहुत सी लड़कियाँ किसी को हासिल करने के लिए गेम खेलती हैं जिसका अंजाम गलत है। इससे मुस्तकबिल में आप पर भरोसा या एहतराम ख़त्म हो जाएगा। तीसरी तजवीज़, ईमानदार और सीधे रहें। अपने चाहने वाले को प्यार की कोशिश करते वक्त ईमानदारी सबसे अहम चीज़ों में से एक है। मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे कुछ पूछे तो उसे सब सच सच बताएं। अक्सर से ज़्यादा लड़कियां अपनी उम्र तो ज़रूर छुपाती हैं और अच्छी खासी उम्र छुपाती हैं। लड़के भी आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। उम्र छुपाने से जब आमना सामना होता है तो बात सामने आ ही जाती है और पता लग जाता है कि उससे बहुत कुछ छुपाया गया है। इसी तरह और भी बातें छुपाई जाती हैं, जैसे मैं शादीशुदा नहीं हूँ या तल्लाक की आफ्ता नहीं हूँ वगैरह। इन बातों को छुपा कर अगर ये सोचा जा रहा है कि कामयाबी मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। हाँ, टाइम पास हो जाएगा। चौथी तजवीज़, अपनी खामियों से ना घबराएं। मत भूलें कि किसी पर एतमाद करने और आपसे मोहब्बत करने का एक बेहतरीन तरीका कमज़ोर होना है। अगर आपका चाहने वाला दिखेगा कि आप अपनी असलियत जाहिर करने से नहीं डरती, तो वो राहत महसूस करेगा। इस तरह दोनों के दरमियान बॉन्ड बनने का ये एक हैरतअंगेज़ तरीका है। इसके अलावा इससे उसे ये देखने में मदद मिलेगी कि आप एक लड़की हैं जो प्यार करने के लायक हैं। पांचवी तजवीज़, उसे दिखाएं कि आपको उसकी परवाह है। उसे दिखाएं कि आप उसके साथ उसकी दिलचस्पियों में दिलचस्पी रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो खेल देखना पसंद करता है तो आप उसमें दिलचस्पी लें, या अगर वो नॉवेल पढ़ना पसंद करता है तो उस नॉवेल में उससे मुतालिक बातों में दिलचस्पी लें। ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं कि आप अपने चाहने वाले को कैसे दिखाएं कि आपको इस बात की परवाह है कि वो कौन है और क्या पसंद करता है। छठी तजवीज़, उसके साथ छेड़छाड़ करें, तारीफ़ करें। कभी कभी आपको उसके साथ छेड़छाड़ करने और तारीफ़ करने की ज़रूरत होती है ताकि आपके चाहने वाले को आपसे प्यार हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप उसके मुस्कुराने का अंदाज़ पसंद करती हैं तो उसे बताएं कि वो वाकई पुरकशिश लगता है। अगर आपको उसके बोलने का अंदाज़ पसंद है तो उसकी आवाज़ की तारीफ़ करें। ये सब उसे ये दिखाने के बेहतरीन तरीके हैं कि आप उसमें दिलचस्पी रखती हैं। सातवीं तजवीज़, बॉडी लैंग्वेज। अपने चाहने वाले को दिखाने की कोशिश करें कि आप पुरकशिश हैं। ज़्यादा जिस्म दिखाने की जगह हरकतों से सेक्सी बने और उसे छेड़ने से ना घबराएं।
ये उसके करीब जाने और एक गर्म कनेक्शन बनाने का एक बेहतरीन तरीका है जिसे उसे हासिल करना आसान हो सकता है। इसके लिए पुरकशिश नज़र आने की कोशिश करें और उसके करीब रहें। इसके अलावा अगर आपको उसके साथ छेड़छाड़ करने का मौका मिले तो इसे ज़ाया ना करें। उसे ये दिखाने का ये एक तरीका है कि आप सेक्सी हैं। डरने की बजाय आगे बढ़ें और अपना काम करें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।